आप लोग सबसे पहले ये कमेंट पढ़ो, शुभ भाई चैलेंज फॉर यू, पीले थोबड़े पे काला चश्मा वाला इमोजी, कोई कैप्चा सॉल्व करके फ्री रिडीम कोड मिल जाए, अच्छा .. जल्दी वीडियो बनाओ भाई, ये क्या है छोटा सा मुंह करके देखने वाले इमोजी। ओके, इस भाई का ये कहना है कि इस भाई को एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जिसमें कैप्चा सॉल्व करके फ्री में रिडीम कोड मिल जाए। तो ठीक है, इस वीडियो में ऐसा ही करते हैं, मैं आप लोगों को एक ऐसा एप्लीकेशन बताऊंगा जिसमें आप कैप्चा सॉल्व करके फ्री में गूगल प्ले रिडीम कोड ले सकते हो। बाकी उस एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। और इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है चलो देखते हैं। जब आप लोग इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी देखो, आपको सबसे पहले इस एप्लीकेशन में साइन अप करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको एक कंटिन्यू विद गूगल वाला बटन मिल जाएगा, सिंपली आप उस पर क्लिक करना और उसके बाद यहाँ से अपना एक गूगल अकाउंट सिलेक्ट करके वन क्लिक में इस एप्लीकेशन में साइन अप कम्प्लीट करा लेना। जैसे साइन अप कम्प्लीट होगा आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा। अभी मेरा अवेलेबल बैलेंस 0 बता रहा है, जो कि ऑब्वियस सी चीज है, हमने अभी जस्ट साइन अप किया है। और ये बैलेंस कैसे अर्न करना है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही, लेकिन अभी काफी सारे लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, भैया इस एप्लीकेशन में गूगल प्ले रिडीम कोड लेने का ऑप्शन है भी या नहीं। तो चलो मैं आप लोगों को सबसे पहले इस एप्लीकेशन का वॉलेट दिखा देता हूँ। तो यहाँ वॉलेट में आने के बाद यहाँ पर एक बटन है एड पेमेंट गेटवे, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और अभी देखो यहाँ पर विड्रॉल के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक यूपीआई में आप बैलेंस ले सकते हो या गूगल प्ले रिडीम कोड ले सकते हो। आप दोनों में से किसी में भी विड्रॉल ले सकते हो, लेकिन भैया हमको चाहिए गूगल प्ले रिडीम कोड। तो यहाँ से मैं गूगल प्ले रिडीम कोड सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मुझसे ईमेल एड्रेस जिस पर मुझे रिडीम कोड चाहिए रहेगा वो पूछ रहा है और नाम पूछ रहा है, तो ये डिटेल्स मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ और उसके बाद सेव डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। और ये डिटेल्स सेव करते यहाँ पर एक विड्रॉ वाला बटन आ गया, सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और अभी देखो यहाँ पर गूगल प्ले रिडीम कोड विड्रॉल के ऑप्शन सामने आ गए, जैसे कि सिलेक्ट अमाउंट में देखो 35 रुपए का, 70 रुपए का, 140 रुपए का, ऐसे ही 700 रुपए का रिडीम कोड आप एक बार में इस एप्लीकेशन से ले सकते हो। लेकिन ये सब लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इस एप्लीकेशन में कॉइन्स का अर्निंग करना पड़ेगा, और वो कैसे करना है चलो बताता हूँ। तो इस एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर आपको एक टाइमर चलता दिखेगा, जैसे कि देखो अभी 18:44 दिखा रहा है। इस टाइमर का मतलब ये है कि अभी आप इस एप्लीकेशन में जो भी कॉइन्स अर्न करोगे वो 18 घंटे बाद पैसों में कन्वर्ट होगा, बैलेंस में आएगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो। तो कॉइन अर्निंग के लिए सबसे पहले जो चीज दिख रही है वो क्या है, ये सॉल्व कैप्चा बोल के नाम ही कैप्चा है एप्लीकेशन का। तो ये देखते है क्या है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो भाई मेरे सामने ये नंबर आ गया। एग्जैक्ट के एग्जैक्ट मेरे को चूज करना है शायद 1998, मतलब हाँ यहाँ पर तो ऑप्शन तो ही थी, इसे मैं चूज करता हूँ। ओके, एक टिकट मिल गया और वॉच एड एंड क्लेम वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, एक एड चलने लग गया, मैं फटाफट देख कर स्किप कर लेता हूँ। ओके 11 हो गया, और इसी तरह से यहाँ पर भी 96 वाला चूज कर लेता हूँ एक ही है। तो भाई ये कैप्चा सॉल्विंग बहुत ज्यादा इजी है, बस यहाँ पर एक एड देखना पड़ता है हर एक कैप्चा सॉल्व करने के बाद, उसके बाद ये क्रेडिट हो जाता है। और यहाँ से कैप्चा सॉल्व करके जो आप टिकट्स अर्न कर रहे हो उसका क्या काम है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो एक सुपर ऑफर बोल के एक सेक्शन है, यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक करूँ तो पहले तो मुझसे एक परमिशन पूछ रहा है, उसे मैं अलाउ कर देता हूँ। और अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वॉच एड अर्न मोर बूस्ट टू अनलॉक दिस जैकपॉट, वॉच एड। और अभी मेरा 12 टिकट्स हो गया है, लेकिन ये जैकपॉट ऑफर ओपन करने के लिए मेरे को 22 टिकट चाहिए, उसके बाद ये जैकपॉट ऑफर ओपन होगा और यहाँ से मेरे को ज्यादा कॉइन्स मिलेगा। अभी यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो इनसफिशियंट बूस्ट बोल रहा है, क्योंकि मेरे को और 10 टिकट चाहिए। तो यहाँ से आप ये टिकट्स वगैरह अर्न करके जैकपॉट ऑफर अनलॉक करके यहाँ से भी कॉइन्स का अर्निंग कर सकते हो। तो कॉइन अर्निंग के लिए नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पर, ये प्ले टाइम गेम, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट टाइम में ये मुझसे कुछ परमिशन वगैरह पूछेगा जिन्हें मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। करते ही मेरे सामने कई सारे एप्लीकेशन और गेम्स आएंगे जिनके सामने लिखा मिलेगा पर मिनट के हिसाब से कितना कॉइन मिल रहा है। जैसे कि देखो मेरे यहाँ पर ये पर मिनट का 18 कॉइन और पर मिनट का 33 कॉइन मिल रहा है एक एप्लीकेशन। ये मोबाइल पर डिपेंड होता है किसी को कितना, किसी को कितना ऐसा मिलता है। तो आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन या गेम सबसे ज्यादा कॉइन्स दे रहा हो पर मिनट के हिसाब से, उसको प्ले करके कॉइन्स का अर्निंग आप कर सकते हो। जैसे कि मेरे यहाँ पर ये 33 कॉइन दे रहा है पर मिनट के हिसाब से, तो इसके सामने जो प्ले नाउ वाला बटन है सिंपली मैं उस पर क्लिक
क्लिक करता हूँ और उसके बाद इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ओपन करता हूँ। बस भैया ओपन करते ही आपका काम हो गया है खत्म। आप प्ले टाइम से किसी भी एप्लीकेशन या गेम को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो तो ये मत सोचना कि भाई आपको वहाँ पर खेलना ही है या कुछ करना है। आप प्ले टाइम से डाउनलोड किए गए एप्लीकेशन को ऐसे ओपन करके छोड़ भी दोगे ना, अभी आपको परमिट के हिसाब से कॉइन्स मिलता रहेगा चाहे कुछ करो या ना करो। जैसे कि देखो मैं यहाँ पर रजिस्टर तक नहीं कर रहा और ऐसे ही ओपन करके छोड़ दिया हूँ। अभी मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है, दो चार मिनट यहाँ पर रुकता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ यहाँ से भैया कॉइन्स मिलता है या नहीं। तो अभी कुछ मिनट हो गया है तो मैं वापस जाकर चेक करता हूँ भैया हमें कॉइन्स मिला या नहीं। तो यहाँ पर तो नहीं दिख रहा कुछ, और देखो भाई 67 कॉइन दिख रहा है जो कि पहले जीरो था, यानी हमें प्ले टाइम से कॉइन मिला ही होगा। मैं आपको प्ले टाइम में जाकर भी दिखा देता हूँ। और ये 35 कॉइन फिर से आ गया, मतलब 102, मतलब ये थोड़ा लेट मिल रहा है लेकिन भाई अभी मिला है मेरे को ये 35 कॉइन प्ले टाइम से। मैं आपको प्ले टाइम में जाकर दिखा देता हूँ एक बार। और ये देखो भाई 102 कॉइन यहाँ आपसे मेरे को मिला है इस गेम से। तो भाई इससे ये प्रूफ होता है कि इस एप्लीकेशन के प्ले टाइम से कॉइन्स मिलता है और आप चाहे तो यहाँ से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो प्ले टाइम के बाद नेक्स्ट कॉइन अर्निंग का सेक्शन इस एप्लीकेशन में है। यहाँ नीचे ये क्या है, बेस्ट टास्क बोल के, यहाँ पर मैं सी ऑल वाले बटन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरे सामने ये एप्लीकेशन के टास्क कंप्लीट करने वाले ऑफर वाले, जैसे आईएड स्टूडियो, ऑफर टोरो, एडसेंट और इसी तरह से कई सारे यहाँ पर आपको ऑफर वाले मिल जाएंगे। जो भी आपका फेवरेट हो भाई उससे आप कॉइन्स का अर्निंग कर सकते हो एप्लीकेशन का टास्क करके, वो आपके चॉइस के ऊपर है। जैसे कि भाई यहाँ पर मेरा फेवरेट है, भाई आपको तो पता ही है मेरा फेवरेट है पब्स के, तो मैं आप लोगों को यहाँ से पब स्किल से एक टास्क कंप्लीट करके दिखा देता हूँ कॉइन्स मिलता है या नहीं, तो आपको पता चल जाएगा। वैसे तो ये पब स्किल में काफी इजी इजी टास्क होते हैं जिन्हें कंप्लीट करके आप कॉइन्स का अर्निंग, अच्छा खासा कॉइन्स का अर्निंग कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ से क्या, ये सिंगल स्टेप वाला टास्क है टेप नोट बोल के, 521 कॉइन मिल रहा है इससे। और क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर करना है। तो चलो आपके सामने इस टास्क को कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं गेट 521 कॉइन पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेता हूँ फटाफट। उसके बाद इसको सिंपली ओपन करता हूँ। हमारा आधा टास्क तो हो गया, हमने एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पर हमें बस रजिस्टर करना है, तो वो स्टेप भी मैं कंप्लीट करा लेता हूँ। ओके, तो मैंने अभी इस एप्लीकेशन में अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। अब देखते हैं भैया हमको कॉइन्स मिलता है या नहीं। तो मैं डायरेक्टली वापस जाकर चेक करता हूँ मेरे को कॉइन्स मिलता है या नहीं। तो भाई नहीं मिला क्या, कभी कभी लेट भी दिखाता है भाई। मिल जा भाई, देखो मिल गया। मैंने बोला था ना भाई ये लेट कभी कभी देता है। देखो 521 कॉइन्स क्रेडिट हो गया। इसी तरह से भाई अगर आप अच्छे से टास्क करोगे तो भाई यहाँ पर आपको कॉइन्स मिल ही जाएगा और यहाँ पर आपको टास्क का कोई कमी भी नहीं पड़ने वाला। आप नीचे जितना ज्यादा स्क्रॉल करते जाओगे भाई उतने ज्यादा टास्क आते जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका पब स्केल और अभी मेरा कॉइन्स हो रहा है 623 कॉइन। और कॉइन अर्निंग के लिए नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पर आपको बेस्ट सर्वे बोल के, इसमें भी आप सी ऑल वाले बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सर्वे के रिलेटेड ऑफर वाले सामने। तो ये भी आपके पर्सनल चॉइस पर है, जो भी आपका भाई फेवरेट है ऑफर वाल उससे आप सर्वे कंप्लीट करके कॉइन्स का अर्निंग कर सकते हो। जैसे कि भाई यहाँ पर बिटलैब्स भी है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है सर्वे के लिए। तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ से सर्वे करना है तो सिंपली इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपके सामने कई सारे सर्वे आ जाएंगे और उनके सामने जो जो पॉइंट्स लिखा होगा अगर आप सर्वे को सक्सेसफुली कंप्लीट करोगे ना तो वो कॉइन्स आपका मिल जाएगा डायरेक्टली एप्लीकेशन। इसके बाद ये क्या है, रेट अस अर्न 50 कॉइन बोल रहा है, ट्राई करके देखे क्या। चलो यहाँ पर क्लिक करके देखता हूँ और मैं डायरेक्टली प्ले स्टोर पर आ गया। तो इसको मैं सिंपली रेड कर देता हूँ 5 स्टार और देखता हूँ भाई मेरे को कॉइन्स मिलता है या नहीं। तो 623 ऐसा कुछ कॉइन्स था, मिल गया भाई। देखो 673 कॉइन हो गया, इसका मतलब रेड करने का कॉइन्स मिल गया है। तो भाई आप रेड करके भी कॉइन्स का अर्निंग कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आप इन्वाइट करके अर्निंग करना चाहते हो तो इसका क्या सिस्टम है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इस एप्लीकेशन को रिफर कर करके अर्निंग करना चाहते हो तो उसका कुछ रूल्स है। अगर आप अपने किसी फ्रेंड को इस एप्लीकेशन को अपने रिफरल लिंक के थ्रू इनवाइट करते हो तो आपको भाई ऐसे ही मतलब कुछ बोनस वगैरह नहीं मिलेगा, बल्कि जब आपका फ्रेंड इस एप्लीकेशन में अर्निंग करके जब फर्स्ट विड्रॉल करेगा तब आपको उसमें से 20% मिलेगा और आपके फ्रेंड को भी 10% मिलेगा। तो ये कुछ कंडीशंस है इस एप्लीकेशन के रिफर एंड अर्न सिस्टम, तो इनको समझ के अगर आप रिफर एंड अर्न करना चाहते हो तो भाई आप कर सकते हो। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर एक सोशल बोल के एक सेक्शन है जिसमें आप फॉलो कर करके 100 कॉइंस ले सकते हो। यहाँ पर फेसबुक, टेलीग्राम,
फेलिग्राम, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इन एप्लीकेशन वालों के आप चाहे तो भाई यहाँ पर फॉलो कर करके भी कॉइन्स का अर्निंग कर सकते हो। जैसे कि देखो अभी मैंने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करके ये 100 कॉइन उठा लिए है। यहाँ पर ऑफर रिडीम लिखा रहा है और मैं आपको वापस जाकर भी दिखा देता हूँ कॉइन्स मिला या नहीं। तो यहाँ से बैक और देखो 1073 कॉइन हो गया, पहले कुछ 673 कुछ समथिंग था, ऐसा ही था ना। ओके तो इस तरह से भाई आप इस एप्लीकेशन में कॉइन्स का अर्निंग कर सकते हो। मैंने आप लोगों को इस एप्लीकेशन के कॉइन अर्निंग के सारे तरीके बता दिए और बताते बताते ही मेरा 1000 के ऊपर कॉइन्स हो गया। लेकिन कॉइन्स कन्वर्ट होने में भाई अभी भी 18 घंटा बचा हुआ है। मुझे इस एप्लीकेशन में विड्रॉ करने के लिए 18 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इस एप्लीकेशन में और कॉइन्स का अर्निंग कर लेता हूँ जब तक ये कन्वर्ट होगा और ज्यादा मेरे को बैलेंस मिलेगा उससे, और उसके बाद मैं आप लोगों के सामने आता हूँ। अभी आप लोग ये जो फुटेज देख रहे हो वो नेक्स्ट डे का है। और अभी आप मेरे इस एप्लीकेशन में कैश देख सकते हो 138 रुपए, जो अभी 4 मिनट पहले कन्वर्ट हुआ है कॉइन से पैसों में। तो अभी मैं आप लोगों के सामने इस एप्लीकेशन से लाइव गूगल प्ले रिडीम कोड का विड्रॉल लगा कर देखूंगा, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा भाई ये एप्लीकेशन सच में रिडीम कोड देती है नहीं देती, देती है तो कितने टाइम में, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं इस एप्लीकेशन के वॉलेट वाले सेक्शन में आ गया और यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी वगैरह ऑलरेडी एंटर्ड है, तो मैं डायरेक्टली विड्रॉ वाले बटन पर क्लिक करता हूँ। और अभी मेरे 138 रुपए है, तो मैं यहाँ से देखूं तो अभी मैं 70 रुपए का गूगल प्ले रिडीम कोड इस एप्लीकेशन से ले सकता हूँ, क्योंकि 140 का तो भाई 2 रुपया कम पड़ रहा है। मेरे पास 138 है, 2 रुपए से चूक गया, तो मैं 70 रुपया सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ट्रांसफर वाले बटन पर क्लिक कर दिया। और क्या बोल रहा है भाई, प्रोसेसिंग बता रहा है और मुझे ईमेल वगैरह भी कुछ नहीं है, तो शायद ये पेंडिंग में चला गया है। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते वेट करने के अलावा, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते जब तक मुझे रिडीम कोड वगैरह नहीं मिल जाता, उसके बाद मैं आगे का वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। तो अभी आप लोग ये जो फुटेज देख रहे हो वो शाम के टाइम पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 4:53 हो रहा है और हमने रिडीम पर लगाया था सुबह के 10 बजे के आसपास। और मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको वॉलेट में जाकर दिखाऊँ। तो ये देखो यहाँ पर हमारा विड्रॉल आ गया है, यहाँ पर क्लेम नाउ वाला बटन आ गया है जो कि पहले प्रोसेसिंग में बता रहा था। तो हमारा गूगल प्ले रिडीम कोड लेने के लिए यहाँ पर हमें क्लेम नाउ वाले बटन पर क्लिक करना होगा, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद हमें इस पेज पर रिडायरेक्ट किया गया, तो यहाँ पर व्यू कोड वाला बटन है, सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और इसके बाद फिर से हमें इस पेज पर रिडायरेक्ट किया और यहाँ पर फिर से कलेक्ट वाउचर वाला बटन था, सिंपली मैंने उस पर क्लिक किया। और देखो भाई हमारा गूगल प्ले रिडीम कोड हमारे सामने आ गया, ये जो ऊपर वाला कोड बोल के ना वही हमारा रिडीम कोड है। तो सिंपली मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और चेक करने के लिए सीधा आ गया मैं गूगल प्ले स्टोर पर, यहाँ से रिडीम कोड और उस एप्लीकेशन से हमने रिडीम कोड कॉपी किया था, सिंपली इसको पेस्ट और रिडीम। और देखो यू आर अबाउट टू एट 70 रुपीज, मतलब भाई ये रिडीम कोड बिल्कुल रियल है और वो एप्लीकेशन भी सच में रिडीम कोड देती है। तो भाई लोग इसी तरह से आप लोग भी इस एप्लीकेशन का यूज करके खुद से फ्री में गूगल प्ले रिडीम कोड ले सकते हो। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पर नहीं हो तो क्या कर रहे हो भाई, अभी के अभी सब्सक्राइब करो। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।